हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में तो पेप्सी के बहुत सारे बोतल बचे ही रहते हैं, तो आज हम पेप्सी की बोतल से कुछ डीआईवाई करेंगे। तो इस तरह से इस पर टेप चिपका लेंगे हम, तो इसमें सीधी सी कट हो जाएगा हमारे पे। देखिए, ऐसे से निशान लगा के ऐसे काट लेंगे इसको। ये देखिए, इसको काट लेंगे ऐसे करके, ऐसे पूरा निकाल लेंगे हम। ये देखिए निकल गया। इसके बाद आते हैं, चार बार इसे कट कर देंगे नाक को, ऐसे चार तरह से हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद पत्ती का शेप दे देंगे इसको हम, ऐसे इस तरह से। देखिए यहाँ पे जैसे पत्ती बनता है, उस तरह से इसको शेप दे देंगे ऐसे। तो चारों में ऐसे हम बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पत्ती की डिजाइन को कटिंग कर देंगे ऐसे। ये देखिए, यहाँ पर ऐसे कट करने के बाद जो है मैंने एक दूसरी बोतल में ऐसे बना रखा है ऐसे। देखिए ऐसे पत्तल पत्ती निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने दूसरी बोतल में ऐसे सेम बना के रखा है। इसमें चार पत्तियाँ बनाई हुई। उसके बाद ये बोतल पे जो है ऐसे ही पत्ती बनाएंगे। और ये बोतल का जो निचला वाला हिस्सा है, इसको थोड़ा सा निकालेंगे काट के इसके ऊपर, ताकि हम इसको रख सकें पत्ती को इस तरह से। देखिए ऐसे निकाल लेंगे। इसमें तो मेरे पास अभी ग्लू नहीं था, तो मैंने ऐसे ही इसको कर लिया, टेप लगा के इसमें चिपका लिया ऐसे। ऐसे देखिए इसमें चिपका के, क्योंकि मेरे पास ये लॉलीपॉप की बची थी पाइप, तो मैंने इसे लगा लिया। आपके पास वायर हो तो वो भी लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे ही लगा सकते हैं। इसमें पत्तियाँ बना बना के मैंने रखी, जो बॉटल बची थी बीच वाली, उसी का मैंने बनाया। ये देखिए, इसमें इसे लपेट देंगे धागे से। आप कलर वाला धागा ले लेंगे तो भी अच्छा रहेगा, सेम मैचिंग का। इसमें इसे डाल देंगे, बड़ा लग रहा है तो थोड़ा इसको हम काट देंगे। इसको देखिए अच्छे से बैठ गया। इसमें थोड़ा सा हमने अब कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने थोड़ा सा क्ले रखा था, क्ले लगा दिया। आप बीच में इसका फ्लावर रख सकते हो ऊन का बना के। तो आपको कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब, बाय।